हमारी सुबह शहर की रूटीन ये होती है कि हमारे साथ हमारे बच्चे भी उठ जाते हैं और वो भी नमाज सबक हमारे साथ साथ करते हैं। यहाँ पे हमारी हो रही है माशाल्लाह नमाज और तलावत हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर सुबह बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको अपना एक प्यारा सा गिफ्ट दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी मैं इसकी ओपन करती हूँ, इतना प्यारा मुझे गिफ्ट मिला है, बहुत ही प्यारा मुझे गिफ्ट मिला है। तो उन्होंने कहा कि आप ये गिफ्ट ले लें, तो माशाल्लाह से ये देखिए इतना ज़बरदस्त है ये गिफ्ट, इतना ज़बरदस्त है, इस तरह का तो पूरी दुनिया में है ही नहीं। बिस्मिल्लाह, इसका पेज इतना ज़बरदस्त है ना, पढ़ने को खुद ही दिल करता है ना भी पेज ज़बरदस्त हो, वैसे माशाल्लाह से दिल करता है पढ़ने को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जब से रमज़ान माशाल्लाह रमज़ान के आया है रखते हैं रोज़े, और माशाल्लाह कुरान पाक भी अच्छे पारे भी अच्छे खासे कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखे ज़रा, इंशाल्लाह उम्मीद तो होती है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया जाए, तो अपने से ज़्यादा भर के इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे गिफ्ट इतना प्यारा मिला है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये देखें, आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट कमेंट में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा और लाइक करें सब्सक्राइब। आज मैंने ये दही भल्ले थे पड़े हुए, तो उसके अंदर ही मैंने फुलके डाल दिए और साथ मैंने आलू डाल दिए, मैंने कहा ज़ाया ना जाए, तो आज मैंने इसी को रीन्यू किया तो ये बन गया। तो इसके बाद मैं बना रही हूँ आज दाल, दाल के दाल खानी हमारे आसान नहीं है, तो फिर भी हमने आज दाल बनाई है। तो दाल के साथ देखना अभी मैंने क्या क्या बनाना है, और ये साथ चावल बनाए और अभी बना रही हूँ, और अभी 4:30 हुए हैं, तो इंशाल्लाह और बनाते हैं अभी। तो दाल चावल बन गए हैं, तैयार हो चुके हैं, मतलब दाल तैयार हो चुकी, चावल आ गए, चावल बस तैयार हो जा रहे हैं, तो इसके बाद हम बनाते हैं और कुछ। ठीक है, स्ट्रॉबेरी लेके आई कि मम्मा इसका मिल्क शेक पीना, तो अभी मैं पहले इनको वॉश करके देती हूँ, फिर इनको मैं जूस बना के भी देती हूँ। तो ये मैडम सब आज लेके आए हैं स्ट्रॉबेरी, आ गए दूसरे साथ। जी जी स्ट्रॉबेरी ये लो, वॉश करके दूँ, हाँ वॉश करके, अभी मैं वॉश करके देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी मैंने डाली है, डाल दूँगी और साथ ही हल्का सा नमक डाल दूँगी ताकि वो ज़रा खट्टी मीठी हो जाए। तो होती तो खैर खट्टी मीठी है, तो फिर भी हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। और इसमें से हम दूध डाल देंगे, तो इधर हमारा एक छोटी सा आएगा जूसर, जूसर करने वाला तो ये अजलान के काम में शेक बनाने का सब सबसे। अभी हम बना रहे हैं मिल्क शेक मज़े का, और मैंने अब अफ्तारी का सामान सारा लगा दिया है, अफ्तारी करने लगे, बस रोज़ा खुलने वाला है माशाल्लाह से। तो सब ने अपने हाथों में खजूरें ले ली हैं, तो अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। रोज़े के बाद अजलान और रहन जो अपनी चीज़ें के नीचे गिरी हुई थी खा के, नीचे खा रहे थे, नीचे गिर गया चावल वगैरह वो खा रहे हैं, और उठाने के बाद हम चलते हैं एक जगह पर प्यारी सी जगह।